पीएचडी करना मतलब अपने पसंदीदा विषय में महारत हासिल करना। वह विषय कोई भी हो सकता है। जब आपको कोई विषय इतना पसंद आने लगता है कि आपको उसके अंत तक जाने का दिल करे, उसके बारे में सब कुछ जानने का मन करे, तो आपको उस विषय पर पीएचडी की डिग्री करनी ही चाहिए। यह आपको उस विषय में एक्सपर्ट बनाता है। आपके नाम के आगे डॉक्टर तो लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि आपने अपनी मनपसंद चीज के बारे में सब कुछ जान लिया होता है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएचडी के बारे में। यदि आप में भी है अपने क्षेत्र और विषय में आगे बढ़ने का जुनून, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप जानेंगे कि पीएचडी कैसे करें, इसकी योग्यता क्या होती है, इसमें फीस कितनी लगती है और सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री होती है। किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए या आप चाहे तो रिसर्च का क्षेत्र भी चुन सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। इस डिग्री को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर तो लगता ही है। साथ ही आप जिस विषय में पीएचडी करते हैं उस विषय का आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है और आप उस विषय के विशेषज्ञ कहलाते हैं। पीएचडी कोर्स 3 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। आपको जिस विषय में रुचि हो उसी विषय से 12वीं और मास्टर डिग्री करें। तो चलिए जानते हैं पीएचडी डिग्री के बारे में क्रम से। पहले नंबर पे है 12वीं कक्षा पास करें। दोस्तों, पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर सबसे पहले अपनी रुचि के साथ 12वीं पास करें। अगर आप अभी नहीं जानते कि आप किस विषय में आगे बढ़ना चाहेंगे और पीएचडी करना चाहेंगे, तो अपने पसंद के विषय को ध्यान में रखकर 12वीं कक्षा पास करें। दूसरे नंबर पे है स्नातक की डिग्री ले। 12वीं के बाद आपको अंदाजा आ गया होगा आपको कौन सी विषय में सबसे अधिक रुचि और उसके बारे में ज्यादा जानने की दिलचस्पी है, इसीलिए उसी विषय में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें और पढ़ाई को पूरा करें। तीसरे नंबर पे है स्नातकोत्तर की डिग्री पूरा करें। 3 साल तक आप अपने पसंदीदा विषय को पढ़कर समझ में आ गया होगा कि उस विषय में कौन कौन से भाग हैं और आपको सबसे अधिक रुचि किस में है, इसलिए उसमें मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करें, जो कि 2 साल की होती है। आपको इस कोर्स में कम से कम 55% अंक आने ही चाहिए। चौथे नंबर पे है UGC नेट की परीक्षा क्लियर करें। दोस्तों, किसी भी कोर्स के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, वैसे ही पीएचडी के लिए आपको UGC नेट की टेस्ट परीक्षा पास करनी होती है, इसीलिए स्नातकोत्तर के कोर्स के बाद UGC नेट टेस्ट के लिए अप्लाई करें और उसे क्लियर करें। यह करके आप पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन पूरी तरह पा लेते हैं। 5वां नंबर, पीएचडी के लिए एडमिशन कैसे लें। यह कॉलेज पर निर्भर करता है। ज्यादातर कॉलेज UGC की परीक्षा क्लियर होने पर दाखिला देते हैं और कुछ कॉलेज अपना अलग से एंट्रेंस परीक्षा लेते हैं, तो आपको उस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उस कॉलेज की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होती है। 6वें नंबर पे है साक्षात्कार क्लियर करें। ज्यादातर कॉलेज में पीएचडी दाखिला देने से पहले पर्सनल इंटरव्यू लेती है, वह क्लियर करने के बाद ही आपको पीएचडी में दाखिला मिलता है। दोस्तों, हमने इंटरव्यू के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 7वें नंबर पे है पीएचडी की पढ़ाई पूरी करें। अब आपको अपने विषय के अंदर डूब जाना है, उस पर बहुत रिसर्च यानी अनुसंधान करना है, उस पर थीसिस मतलब निबंध लिखने हैं। दोस्तों, पीएचडी की पढ़ाई 3 साल तक चलती है और अगर आप चाहें तो इसे 6 साल तक खींच सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और वह करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है और आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त होती है। पीएचडी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अब हम आपको इस बात का अवलोकन देंगे कि पीएचडी की तैयारी कैसे करें। नंबर 1, आपको अपनी तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, यानी कॉलेज के पहले वर्ष से ही आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, अपने शिक्षक और सीनियर से सलाह लेते रहें। नंबर 3, अपने विषय के हर पहलू पर विचार करें और उस पर पीएचडी किए हुए छात्रों से मार्गदर्शन लें, यह आपको काफी मदद करेगा। नंबर 4, आप कौन से कॉलेज
और कैसे वातावरण में पीएचडी करना चाहेंगे वह तय करें, क्योंकि एक बार पीएचडी शुरू करने के पश्चात आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण, यूजीसी की परीक्षा के पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व करें। नंबर 6, प्रश्न ढूंढना और प्रश्न पूछना सीखिए और अपने सलाहकार और शुभचिंतकों को अपने विषय और पीएचडी के संबंध में सवाल करते रहिए, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। नंबर 7, कॉलेज के सालों में पीएचडी के विद्यार्थियों का निरीक्षण करें। अब आइए जानते हैं कि पीएचडी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि पीएचडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। पीएचडी का सरल अर्थ होता है कि किसी विषय में विशेषज्ञता पाना और आप उस विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। पीएचडी के लिए विषय, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन सोशल वर्क, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन बायोसाइंस, पीएचडी इन कॉमर्स मैनेजमेंट, पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी इन लॉ। इसके अलावा भी कई ऐसे विषय हैं जिसमें आप मुख्य रूप से पीएचडी कर सकते हैं। अब जानते हैं पीएचडी कोर्स में लगने वाली फीस के बारे में। दोस्तों, औसत तौर पर सरकारी कॉलेज में 15,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष होती है और प्राइवेट कॉलेज में इससे ज्यादा। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पीएचडी करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों, पीएचडी करने के लिए ज्यादा उत्सुक होने के लिए जानिए पीएचडी कोर्स के फायदे। नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपनी रुचि के विषय में अपना करियर बनाते हैं और अपने विषय को पूरी तरह से जान लेते हैं। नंबर 2, यह करते वक्त आप खुद के मालिक होते हैं, यानी आपको यह पूरी तरह से खुद से रिसर्च करना होता है, अपना समय, सबमिट करने का दिन और आदि। नंबर 3, आप अपने विषय में रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में नई नई चीजें जानते हैं, अपने क्षेत्र में अपनी योगदान देने की खुशी ही अलग होती है। नंबर 4, रिसर्च करने के लिए आप कई मजेदार जगहों पर जाते हैं और अन्य लोगों से मिल पाते हैं, इसलिए आपको कई अच्छे बुरे अनुभव होते हैं जो कि जीवन में काफी काम आते हैं। नंबर 5, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है और यह आपको गर्व महसूस कराती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।